द मूवी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आई मीन टू से ऐसे मूवीज बननी चाहिए. हम क्यों साउथ इंडिया में, देखो इंडिया तो इंडिया है एज अ कंट्री, चाहे कोई मूवी साउथ से आए, नॉर्थ से आए, ईस्ट से आए, वेस्ट से आए, वी हैव टू बी एंटरटेन्ड. इफ वी आर एंटरटेन्ड इन द हॉल, वी लव द मूवी. बाहुबली की 3-4 सालों से बात हो रही है, क्यों, व्हाई, वेयर वी, कहां थे हम. अजय देवगन जिनके घर से एक्शन निकलती है वीरू देवगन के साथ, आई थिंक nobody could have done better than Ajay Devgan. If you're listening to me, Ajay Devgan, I have seen your movies, but this movie made me your fan. Okay, so gaane aur dialogues ke bare mein kya batana chahenge, kitna powerful dialogues, bahut paper, you know, jo paper pe dialogues likhe jate hain unko read karte hain, pehle read karke deliver karte hain, तो पेपर पे बहुत डिसेंट है, बट जब वो डिलीवर होते हैं कैमरा के सामने और ऑडियंस के सामने सुनाई देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टोरी के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि डायरेक्शन किस तरह से इस स्टोरी की गई है, आपको सुनाई. देखिए, पुस्तकों में, किताबों में हमने पढ़ा है कि तानाजी का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया था, कैसे वो ब्रेव मावल मराठा थे. अब जाके वो जो एक पैराग्राफ है वो 2-2.5 घंटे में कन्वर्ट होके एक बड़ा विजुअल आ चुका है हिंदुस्तान में, तानाजी मालुसरे. देखो, रा 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 इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स. अभी सॉन्ग तो मैं नहीं गा सकता, सुरेश वाड़ेकर से मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, ना ही सोनू निगम से ली है, पर BGM ऑफ दिस मूवी इज फिनोमिनल. एक सेकंड के लिए, लेट मी टेल यू, मैंने पूरे जिंदगी में ऐसा फील नहीं किया है. एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि अजय देवगन ने जस्ट कम आउट ऑफ द स्क्रीन, ही इज क्रैश द स्क्रीन, वो बाहर आ चुके हैं, इतना कमाल. बेस्ट पार्ट, बहुत सारे बेस्ट पार्ट्स हैं, फ्रॉम ए टू जी, जैसे मैंने कहा, हर एक अल्फाबेट एक्शन का परफेक्ट जा चुका है. अजय देवगन हैज जस्ट क्रैश द स्क्रीन. ऑल राइट, Ajay Devgan is gonna roar for 300 crore this time. I'm not a fan of Ajay Devgan. I saw it for the first time and I became a fan. Okay, so is movie ko agar out of 5 dena hoga to kitna doge? Main stars nahi dunga. Main stars kaun hota hu? Stars to wo hain jinhone apne stars, yani mehnat ke stars deke ye movie banayi hai. I think 5 mein se 10 ho sakte hain, 11 ho sakte hain, 100 ho sakte hain, sab de dalo, because India is a population of emotions. And Bollywood is the best place which knows how emotions can run and trigger in every scene. Okay, so audience को ये movie देखनी चाहिए. अरे मैडम, इतनी देर से बोली तो. देखिए, audience को क्या, दुनिया के किसी भी, कोई भी आए, आपको, आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, family के साथ जाइए, बस जाते जाइए. I'm not a fan of Ajay Devgan. I have become a fan of Ajay Devgan. Thank you, thank you so much. तानाजी movie कैसी लगी? तानाजी movie मुझे ऐसी लगी कि भगवा जिनके खून में बस जाए उन्हें जान की परवाह कभी नहीं होती. बहुत गजब, जय शिवाजी महाराज, मतलब गजब का काम किया है सभी ने. पिक्चर ब्लॉकबस्टर होगी ये, मतलब सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी. छपाक का नाम मेरे आगे मत लीजिए मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. मैं उन लोगों की पिक्चर देखना चाहता हूँ जो देश को आगे बढ़ाएं, जो देशद्रोहियों के साथ खड़े हो, मैं उनकी पिक्चर नहीं देखना चाहता. ये फिल्म छपाक, इसमें जो बेचारी लक्ष्मी अग्रवाल है उस पर जो तेजाब फेंकने वाला जो बंदा था वो नदीम खान था, और उसको हिंदू राजेश दिखाया गया. राजेश शर्मा तो बेचारा म्यूज़िक बना रहा है मुंबई में बैठ के, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. तो ये गलत दिखाया गया है, तो मैं छपाक को बायकॉट करता हूँ. छपाक का जिक्र मत कीजिए मेरे आगे. तानाजी 5 to 5 जी. Tanaji was good. It's a one-time watch for me. Action was really good, so one must watch actually for action and Saif Ali Khan. He is amazing in the movie. सबको performance कितने पसंद आया आप? मुझे Saif Ali Khan. मुझे उनका negative role was very good. Songs और dialogues की बात करें तो क्या पसंद आया आपको? Songs इतने नहीं हैं अच्छे, but yeah, dialogues and all is good. सो आई थिंक द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी इज़ बेटर देन द फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफ में ऐसे ही, मतलब जितने ऐसे मूवीज़ दिखाए गए हैं सब सेम ही है कि हाँ, एक देर इज़ मुगल एंड देर इज़ मराठा, तो दोनों के बीच में फाइट होती है. फिर आई वुड नॉट गिव द होल स्टोरी लाइन, बट इट्स सिमिलर दैट वी हैव सीन पहले भी मूवीज़ में, बट दिस इज़ ओनली फॉर एक्शन एंड सैफ अली खान आई वुड रिकमेंड. और 3D में देखें ये मूवी, इट्स बेटर.
फर्स्ट हाफ में मुझे इतना पर्सनली ग्रिपिंग नहीं लगा, बट सेकेंड हाफ वॉज या सेकेंड हाफ वॉज बेटर. जब एक्शन स्टार्ट होता है तभी पूरा यू नो द होल क्रिएशन, एवरीबडी वॉज शाउटिंग ऑल्सो इन द थिएटर एंड जय मराठा एंड यू नो हर हर महादेव. So all that is there. They keep the gripping part to the second half where the action scene is there. That's better. Aaj ke din Chhapak aur I think Tanaji ko compare nahi kar sakte kyunki dono hi different storyline hai. One is real life incident aur ye bhi real life hai, but this is history. So I think dono hi acche rahenge. I would actually want to watch Chhapak also, but that will be the next movie to watch. What a fair star kitne doge Tanaji? I would give 3. Thank you. अमेजिंग मूवी है, सुपर्ब मूवी, मींस पैसा वसूल मूवी. अगर एक्टिंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी एक्टिंग पसंद आई? आई विल रैंक ऑल 3 एट द टॉप. तानाजी, सैफ अली खान, काजोल, अजय देवगन, ऑल 3 वर फैबुलस. स्टोरी की डायरेक्शन के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कितनी पसंद आई? सुपर्ब डायरेक्शन, सुपर्ब स्क्रिप्ट और डायलॉग बहुत अच्छे लिखे गए हैं. इट्स मींस इमोशनली यू आर एंगेज थ्रू आउट द फिल्म. ऑफकोर्स 4.5. थैंक्स. हाँ बोलिए. बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत एंटरटेनिंग थी और बहुत 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 ही बढ़िया काम था. सैफ अली खान का बहुत अच्छा काम था. नहीं बहुत बहुत अच्छी थी, अच्छी थी और हर एक सीन बहुत एंटरटेनिंग था और 3D की वजह से और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. अच्छे थे, अच्छे अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे. हाँ, आउट 5 out of 5. इट इज़ वर्थ वॉचिंग 4.5 स्टार्स. बहुत मज़ा आया मूवी में. सैफ अली खान का नेगेटिव रोल बहुत खा रहा है मूवी को, मतलब इट इज़ लाइक टोटली वन साइड मूवी हो रहा है सैफ अली खान के वजह से. उनका एक्ट बहुत, भले वो हार जाते हैं बट स्टिल अगर कोई पूछता है कि मूवी में सबसे बेस्ट एक्टिंग किसने की तो आई वुड गो फॉर सैफ अली खान. उनका स्क्रीन प्ले अगर आप पूछोगे ना तो लास्ट जो गाना रहता है उनमें उनका पूरा स्क्रीन प्ले मालूम पड़ जाता है. छोटे छोटे पार्ट्स है, अच्छा है, क्यूट रोमांटिक लगता है, बट लास्ट गाने में ऐसा लगता है कि बार बार देखा जाए करके. 2 से 3 बार देखो तो भी काफ़ी नहीं है. सॉन्ग्स शिवराया जो सॉन्ग है और लास्ट सॉन्ग वापस बोलूँगा, लास्ट सॉन्ग भी बहुत अच्छा था. और जो शिवराया है जब भी कोंडाना पे जाता है डांस के लिए तभी वो मूवी वो सॉन्ग भी बहुत अच्छा है. एंड डायलॉग्स में 2 डायलॉग है, एक तो जो इन ट्रेलर में आता है कि 2 बार भगवा होता है करके, एंड दूसरा डायलॉग है कि राइट हैंड आगे करके सीना पीछे रहना चाहिए करके. लेट मी रिकलेक्ट वन सेकेंड क्या था. हाँ, कभी भी दुश्मन जो वार करते थे भी हम अपना पहला बाइना हाथ आगे करते ना कि अपना सीना, तो वैसे ही मुझे आगे जाने दीजिए एंड समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ तो था. बट बहुत कैची डायलॉग है वो. 4.5 स्टार्स. सर कैसी लगी मूवी तानाजी? बहुत अच्छी लगी. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन रिसेंटली. और मूवी देख के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए. इतना मतलब हमारा महाराष्ट्रीयन कल्चर इतना रिच है और वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है. वो दिखाया गया है उस टाइम के वॉरियर्स, वो ईरा को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है. स्टोरी बहुत अच्छी है और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है. स्पेशली द एक्शन सीन्स हैव बीन शॉट रियली वेल. और जो अजय देवगन का रोल है या सैफ अली खान, बहुत ही वेल एच्ड कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही वेल क्राफ्टेड रोल्स हैं. और कहीं भी ड्रैग नहीं किया मूवी को. पीरियड ड्रामा मूवीज़ को बहुत ड्रैग कर देते हैं, तो 2 घंटे 10 मिनट की मूवी है, कहीं भी ड्रैग नहीं किया. आप इन्जॉय करेंगे, इन द एंड यू विल गेट गूज़बम्प्स. बहुत ही इमोशनल सीन्स हैं. सो वही है कि मतलब मूवी ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है. म्यूज़िक बहुत अच्छा है. एक शंकरा गाना है, उसको बहुत अच्छे से लार्ज कैनवस पे शूट किया गया है. सो म्यूजिक हो, सिनेमेटोग्राफी हो, एक्शन सीन्स हो, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड. अजय देवगन को तो है ही, अजय देवगन और काजोल दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत उभर के आई इतने सालों के बाद. और मुझे सैफ अली खान का किरदार बहुत अच्छा लगा, उदय भान का. आई थिंक ही जस्ट स्टैंड्स आउट. उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने वाइड रेंज ऑफ रोल्स कर सकते हैं और ये भी एक बहुत डिफरेंट टाइप का उन्होंने रोल किया. सबसे अच्छा वही, जैसे मैंने कहा, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं और मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है. और ऐसी मूवीज़ में डायरेक्टर का विजन पता चलता है कि कहीं भी यू नो उन्होंने मूवी को ऐसे नहीं किया कि लोग बोर हो जाएं. डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं. सो बहुत ही ग्रिपिंग मूवी लगी मुझे. हाँ, डायलॉग्स मुझे आते हैं, बट शंकरा गाना मुझे बहुत अच्छा लगा. और
overall I think it's a good package. People should go and watch it. Okay, what are 5 is second to you? 3.5. बहुत खतरनाक. जय भवानी जय शिवाजी. बहुत खतरनाक मूवी. हाँ, डायरेक्शन पसंद आया. क्या नहीं, सब कुछ पसंद आया मुझे इस फिल्म का. सबसे पहले अजय देवगन जी के बारे में बात करूँगा. मतलब वो तो परफॉर्मर है, बहुत अच्छा एक्टर है. उसके साथ उनकी आंखें आपको बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ बताती है. तो वो मतलब फिट है एकदम उस रोल में. मतलब एक्शन, एक लीडर, एक उत्साही, एक आक्रामक जो योद्धा था वो ओम राउत जी ने बखूबी उनको निभाया है इस फिल्म में. डायलॉग्स सबसे बढ़िया है. डायलॉग्स मुझे डायलॉग्स बहुत पसंद आए. मतलब सबको डायलॉग है. मतलब जो लीड कैरेक्टर है उनको नहीं, बाकी के भी जो को स्टार्स है उनको भी बढ़िया बढ़िया डायलॉग दिए, तो मुझे बहुत पसंद आ गए. सबसे पहला डायलॉग अजय देवगन जी का मैं एक बताऊंगा कि जब सैफ अली खान कहते तू तो पागल है, तो बोलते हाँ मैं पागल हूँ स्वराज का, छत्रपति शिवाजी राजे का और इस मातृभूमि का. सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया घमंड कर युद्ध कर, घमंड कर युद्ध कर, तांड सा युद्ध कर भयंकर. यस, गायन अभी युद्ध कर भयंकर, तांड सा युद्ध कर भयंकर. जी दे रही है, पूरी पूरी दे रही, पूरे फाय दूंगा. वेलकम. बहुत अच्छी थी मूवी. बहुत अच्छी लगी. बहुत अच्छी है. स्टोरी भी बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी. क्या कुछ पसंद आया सबसे ज्यादा आपको? सबसे ज्यादा तानाजी का रोल बहुत पसंद आया. तानाजी का रोल पसंद आया. और शरद केलकर का भी बहुत एक्टिंग अच्छा था. अच्छा, उनका शिवाजी महाराज का रोल था वो भी बहुत अच्छा था. अजय देवगन और काजोल के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कैसे लगी? बहुत मूवी तो बहुत एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है. मैम आपको मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी लगी. क्या कुछ पसंद आया इस मूवी में? तानाजी का रोल है, नेट काजल का भी बहुत अच्छा रोल है. सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा इस मूवी का? जो लास्ट एंडिंग है वो ही है सबसे बेस्ट. ओके, सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा? लास्ट एंडिंग का बहुत सीन अच्छा था. आउट ऑफ 5 कितने स्टार हो गया आपको? 5 स्टार. थैंक यू सो मच. आई होल्ड यू. सो सर कैसे लगी मूवी तानाजी? इट्स फैंटास्टिक. इट इज माइंड ब्लोइंग. इट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ बॉलीवुड लाइक इन द रीसेंट टाइम्स. या स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है बिकॉज हम लोग को पता है पता है कि सिंहगढ़ को हमने वापस कैसे लिया था, तो सिंहगढ़ नाम कैसे पढ़ा गया, ये हमने स्कूल में पढ़ा है. बट काफ़ी छोटा, यू नो, देर इज़ नॉट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इट. बट दिस मूवी गिव्स अ फुल स्केप अबाउट कि कैसा वो हुआ है, क्या हमने एक मुहिम चलाई थी उसके लिए. बट इट्स लाइक ओवरऑल डायरेक्शन से लेके परफॉर्मेंस से VFX एवरीथिंग इज़ लाइक टॉप नॉच. अजय देवगन तो क्लास ही है. बट आई वॉज वेरी सरप्राइज बाय सैफ अली खान. ही इज मतलब जैसे वो खिलजी का पागलपंथी हमने देखा था रणवीर सिंह का, वैसे ही था. बट इट्स अमेजिंग. VFX एंड एक्शन. मतलब एक्शन ऐसा इलॉजिकल नहीं था. मतलब नॉर्मली ऐसा कुछ इलॉजिकल चीज़ें होते हैं, ग्रेविटी डिफाइंग होता है, वैसा नहीं था. इट्स लाइक हर चीज़ लॉजिकली चल रहा था. पैसे का तो कमा नहीं, बट आई डोंट नो हाउ मच मनी इट लर्न, बट क्रेडिबिलिटी दिस मूवी को सालों के लिए रहेगी. 5 स्टार.
ऑफ़